आयुष का बर्थडे, आज आयुष का बर्थडे है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि अरुष का फोर्थ बर्थडे है। सब लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। घर में धूम मची हुई है, केक खा रहे हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं, सब खुश हैं। हर तरफ से हंसी और खुशी की आवाज आ रही है। बच्चे फुटबॉल थीम में रंग गए हैं, सभी ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की जर्सियां पहनी है। आज आयुष 4 साल का हो गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। केक भी फुटबॉल थीम का है जिसमें एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। सब मिलकर हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं। रोहिणी और रवि का प्यारा बेटा आरुष बड़ा कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि पहले केक काटना है या गिफ्ट्स खोलने हैं। उसके दोस्त भी उसे और कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई कहता है केक काटो तो कोई कहता है गिफ्ट्स खोलो। बर्थडे पार्टी में बहुत सारे गेम्स भी हैं। सब बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। एक तरफ म्यूजिकल चेयर्स का गेम चल रहा है, दूसरी तरफ पिन द टेल ऑन द डोंकी। हर कोई अपने फेवरेट गेम में बिजी है। पार्टी में खाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। पिज्जा, बर्गर्स, सैंडविचेस और बहुत सारी मिठाइयां हैं। सब लोग मेजे से खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और एंड में सबको रिटर्न गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। रोहिणी रवि को बोली, आयुष का एडमिशन कराना है स्कूल में। अरे रुक जाओ, अभी 1 साल और खेलने दो। क्यों, स्कूल जाने की उम्र हो गई है। रवि के पास एक प्लान है, एक मास्टर प्लान। दादी नानी के ही नुस्खे। दादी और नानी भी आ गए। 1 साल और घर पे रखो, दादी ने कहा। हाँ, ज्यादा खेलने से दिमाग तेज होता है, नानी ने समझाया। रवि बोला, बिल्कुल सही, रेड शर्टिंग इज गुड। दादी बोली, ये रेड शर्टिंग क्या है? रेड शर्टिंग, ये कोई नई शर्ट है क्या? रोहिणी थोड़ी कंफ्यूज्ड हाय। नहीं, इसका मतलब है 1 साल बाद स्कूल भेजना। रवि ने पूरा प्लान समझाया, फायदे और नुकसान सब बताया। रेड शर्टिंग क्या है? रेड शर्टिंग का मतलब है बच्चे को 1 साल लेट स्कूल भेजना। ये कंसेप्ट असल में स्पोर्ट्स से आया है, जहां प्लेयर्स को 1 साल के लिए रेड शर्ट किया जाता है ताकि वो फिजिकली और मेंटली और स्ट्रांग हो सके। जैसे फुटबॉल में प्लेयर्स को बाद में खेलने के लिए रेड शर्ट करते हैं, वैसे ही कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेटे भेजते हैं। ये उन्हें 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम देता है जिसे वो और मैच्योर हो जाते हैं। इससे बच्चा क्लासमैन बड़ा होता है और एडवांटेज मिलता है। जब वो स्कूल शुरू करते हैं तो वो अपने क्लासमेट से थोड़ा ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये उनके एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है, पर हर बच्चा अलग है। ये सबके लिए सही नहीं होता। कुछ बच्चे नेचुरली फास्ट लर्नर्स होते हैं और उन्हें रेड शर्टिंग की जरूरत नहीं होती। ये निर्णय पेरेंट्स को अपने बच्चे की यूनिक नीड्स और डेवलपमेंट को देखते हुए लेना चाहिए। रेड शर्टिंग का निर्णय लेना आसान नहीं होता। इसमें पेरेंट्स को टीचर्स और एजुकेशनल एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि यह निर्णय बच्चे के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर कैसे असर डालेगा। बचपन का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह वो व्यक्ति है जब बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए रेड शर्टिंग का निर्णय लेना एक सोच समझकर किया गया कदम होना चाहिए। रेड शर्टिंग का एक और एस्पेक्ट यह है कि यह बच्चे को अपने से छोटे क्लासमेट्स के साथ पढ़ने का मौका देता है। यह उन्हें लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने में मदद कर सकता है, लेकिन कभी कभी ये उनके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चे के डेवलपमेंट की हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना चाहिए। यह जरूरी है कि वो अपने बच्चे के इमोशनल, सोशल और एकेडमिक नीड्स को समझें और उसके हिसाब से फैसला करें। रेड शर्टिंग का अल्टीमेट गोल ये है कि बच्चा अपने एकेडमिक और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो। ये एक टूल है जो सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हर बच्चा यूनिक होता है और उनकी नीड्स भी यूनिक होती है। इसलिए रेड शर्टिंग का निर्णय लेना एक पर्सनल चॉइस है जो हर फैमिली को अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लेना चाहिए। आखिर में रेड शर्टिंग का मकसद यह है कि बच्चा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो। ये एक ऐसा निर्णय है जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए लेना चाहिए। निर्णय चाहिए। रवि ने इंटरनेट पे नंबर दिखाए। देखो कितनी पेरेंट्स रेड शर्टिंग करते हैं। नंबर से किया होगा, ह्यूमन तो आयुष के लिए डिसाइड करना है। सही कहा रोहिणी ने, हर बच्चा स्पेशल है। फाइनल निर्णय। रोहिणी और रवि ने बात की और टीचर्स और आयुष के पीडियाट्रिशियन से भी एडवाइस ली। उन्होंने डिसाइड किया कि आयुष अभी स्कूल जाएगा, उसकी रेड शर्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयुष रेडी है, एक्साइटेड है। रेड शर्टिंग के फायदे। रेड शर्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चे को अकादमिक रूप से तैयार होने का अतिरिक्त समय मिल जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ऐसे बच्चे जो 1 साल देर से स्कूल जाते हैं, वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा उनका शारीरिक विकास भी तेज हो सकता है, जिससे वे खेल कूद में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे बच्चों को अपने साथियों की तुलना में अधिक आत्मविश्वास भी मिल सकता है। Boys mature late compared to girls, so red shirting of boys maybe can help future society balance. Red shirting का नुकसान, एक साल की देरी से स्कूल भेजने से वे आगे की opportunities में एक साल पीछे हो सकता है। AAPS audience क्या सोचते हैं red shirting के बारे में, ही में comments में जरूर बताएं। बच्चे को कौन सी उम्र में स्कूल भेजना चाहिए? वो क्लासमेन अपने क्लासमेट से बड़ा होना चाहिए या छोटा? बेस्ट आंसर्स को नेक्स्ट जर्नल में हाईलाइट किया जाएगा।